Hey guys, welcome to Pop Culture Pandit. मैं बचपन से ही Mortal Kombat games का बड़ा फैन रहा हूँ और हाल ही में आए Mortal Kombat movie ने तो मेरे जैसे MK फैन का दिल खुश कर दिया, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद मूवी में कोई ना कोई ईस्टर एग और गेम रिलेटेड रेफरेंसेस थे। तो चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ इस मूवी के 10 ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस और मेरा पर्सनल फिल्म रिव्यू। ऑब्वियसली आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूँ बिग स्पॉइलर वार्निंग। मूवी की शुरुआत में ही स्कॉर्पियन वर्सेस सब जीरो का आइकॉनिक राइवलरी का सीन है। इसमें बीहान यानी कि सब जीरो हांजो हशाशी यानी कि स्कॉर्पियन के फैमिली को बुरी तरह से मार देता है। ये खून खराबा मॉर्टल कॉम्बैट स्कॉर्पियंस रिवेंज नाम के एक एनिमेटेड फिल्म से इंस्पायर्ड है। यहाँ जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाते, क्योंकि शिराई रियू क्लैन का निंजा वॉरियर स्कॉर्पियन जैपनीज है और लिन कुई क्लैन का निंजा वॉरियर सब जीरो चाइनीज है। प्रेजेंट डे में जैक्स मॉर्टल कॉम्बैट का जिसके शरीर पे इस तरह का निशान हो उन्हें ढूंढता रहता है और इसी के खोज में वो मिलता है कोल यंग से। एडी टोबायस, ये नाम हम सभी एमके फैंस को जाना पहचाना लगा और लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये नाम मॉर्टल कॉम्बैट गेम के डेवलपर्स एड बून और जॉन टोबायस के नामों से इंस्पायर्ड है। कोल अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करता रहता है, तभी सब जीरो उस पे अटैक करता है। जैक्स कोल को कहता है कि वो अपनी फैमिली को लेके सेफ जगह चला जाए, फिर जैक्स अकेले ही सब जीरो से पंगा लेता है और अपने हाथ गवा बैठता है। जैक्स और सब जीरो के फाइट के पहले पीछे दीवार पर डाउन फॉरवर्ड का निशान है, जो कि सब जीरो के फेमस आइस बॉल अटैक की कमांड से है। आगे कोल सोनिया से मिलता है और वो उसे अपने रिसर्च के बारे में बताती है कि आखिर मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट क्या है, और यही पर उसके दीवार पर लगाए गए रिसर्च पिक्स में कुछ बहुत सारे ईस्टर एग्स है। सबसे पहले तो हमें देखने मिलता है माटोका वॉरियर्स, जो कि एमके गेम्स का फेमस नाइट वुल्फ है। यहाँ पर नाइट वुल्फ करके लिखा भी है, और फिर इस मटके पर जो ये ड्रॉइंग दिखाई दे रहा है वो मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स के कैरेक्टर मोटारो को दर्शाता है। और यहाँ का फाइनल ईस्टर एग है ये ब्रॉन्ज स्टैचू, जो आउटवर्ल्ड के रूलर कोटाल खान के बारे में बताता है। कोटाल खान MK10 और MK11 में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, जिसने शाओ खान को हरा के आउटवर्ल्ड का रूलर बन गया था। सोनिया के घर में ही ऑस्ट्रेलियन स्मगलर केनो भी होता है और इन तीनों को मारने के लिए आता है रेप्टाइल। यहाँ पर सोनिया, कोल और केनो वर्सेस रेप्टाइल, ऐसी 3-on-1 फाइट होती है और रेप्टाइल इस फाइट में बार बार गायब होकर इन्हें परेशान करता है। एमके गेम्स में भी रेप्टाइल का कैरेक्टर इसी तरीके से गायब हो सकता है और ये उसी का रेफरेंस है। इसी फाइट के एंड में केनो रेप्टाइल का हार्ट खींच के निकालता है, जो कि केनो के ईट योर हार्ट फैटेलिटी से लिया हुआ है, और एंड में केनो बोलता है Kano wins. और ये भी एक गेम रेफरेंस है। Kano wins. इसके बाद सोनिया, केनो और कोल यू कैंग के साथ रेडन के टेंपल में आते हैं और यहाँ पर हमें और कई सारे ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। इसमें सबसे पहला तो है शिनॉक का एमुलेट। शिनॉक भी मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स का एक बहुत डेंजरस विलन है और वो एक ऐसा एल्डर गॉड है जो अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। गेम में रेडन और अपने एमके फाइटर्स कई बार शिनॉक से लड़ चुके हैं। पीछे और एक गेम रेफरेंस है और वो है प्रिंसेस किटाना का स्टील फैन। किटाना मॉर्टल कॉम्बैट के एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और ये स्टील फैन तो उसका फेवरेट हथियार है। You waste my time. यही पर हमें ग्रेट कुंगलाओ देखने मिलता है, जिसने कुछ सेंचुरीज पहले अर्थ रेल को मॉर्टल कॉम्बैट में जिताया था। इन्हीं पेंटिंग्स में हमें डेलिया और आर्गस अपने बेटे टेवन को सुलाते हुए देखते हैं। आर्गस, डेलिया और टेवन की स्टोरी मॉर्टल कॉम्बैट आर्मागेडन गेम में थी और वो एमके यूनिवर्स के सबसे बेस्ट स्टोरीज में से एक है। अपने वॉरियर्स रेडन के टेम्पल में रहते हैं और तभी वहाँ पर सब जीरो अटैक करता है और ल्यू कैंग और सब जीरो में एक छोटी फाइट होती है। इस फाइट में ल्यू कैंग अपना फेमस फायरबॉल अटैक करता है तो सब जीरो उसका फेमस थ्रोइंग आइस बॉल का अटैक करता है। इसी फाइट में कुंग लाओ की मॉर्टल कॉम्बैट 11 की फेमस टेलीपोर्टेशन वाली एंट्री मारता है। उसकी ये जमीन से ऊपर आने वाली एंट्री मॉर्टल कॉम्बैट 11 गेम में तो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इस फाइट के बाद ल्यू कैंग कोल को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसको और कुंग लाओ को मास्टर बोराइचो ने ट्रेनिंग दी थी। ये बोराइचो और कोई नहीं बट एमके गेम्स का फेमस ड्रंकन फिस्ट वॉरियर बोराइचो है। You're drunk.
रेडन के टेंपल में अपने वॉरियर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं और तभी एक बहुत ही मस्त गेम रेफरेंस दिखाया है। एक प्रैक्टिस सेशन में ल्यू कैंग बार बार लेग स्वाइप अटैक करके केनो को गिराता है। ये लेग स्वाइप अटैक सभी एमके गेमर्स हजारों बार कर चुके होंगे और कई बार ऑनलाइन मैचेस में प्लेयर्स यही अटैक बार बार करते हैं, इसीलिए इसे इस फनी अंदाज में मूवी में लिया है। फिर यही पर शैंगसंग और आउटवर्ल्ड के बाकी विलन्स अटैक करते हैं और यहाँ हमें मॉर्टल कॉम्बैट की पहली फेमस फैटेलिटी देखने मिलती है और वो है कंग लाओ की टियर द बॉडी अपार्ट फैटेलिटी। इस फैटेलिटी में वो नितारा के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके तहस नहस कर देता है और बोलता है फ्लॉलेस विक्ट्री। इन फेमस मॉर्टल कॉम्बैट वर्ड्स के बाद आगे मूवी में सभी की फाइट शुरू होती है। सबसे पहली फाइट होती है जैक्स वर्सेस रिको और इस फाइट का लोकेशन होता है एमके गेम्स का फेमस लोकेशन द पिट स्टेज। इस फाइट में जैक्स रिको को पंचेस मारता है तो रिको को चक्कर आने लगती है। ये भी गेम से लिया हुआ है। गेम में जब प्लेयर का पूरा हेल्थ बार खत्म हो जाता है तो प्लेयर इस तरीके से डिजी होता है, तभी उसके अगेंस्ट कोई भी खिलाड़ी फैटेलिटी यूज कर सकता है। जैसे ही रिको डिजी हो जाता है जैक्स अपना स्कल क्लैप फैटेलिटी यूज करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ ल्यू कैंग और कबाल में फाइट चालू होती है। कबाल अपना सुपर स्पीड यूज करता है तो ल्यू कैंग उसे फायर ड्रैगन फैटेलिटी से मार डालता है। और लास्टली मिलीना वर्सेस कोल फाइट में मिलीना बार बार टेलीपोर्ट होके कोल को मारने लगती है, जो भी गेम में से लिया हुआ है। और तभी सोन्या वहां आती है और अपनी फेमस एनर्जी रिंग शूट करके मिलीना को मार डालती है। मूवी के एंड में सब जीरो कोल को मारने लगता है, तभी वहां पे आता है Get over here। फिर मूवी में वापस एक बार सब जीरो वर्सेस स्कॉर्पियन की लेजेंडरी फाइट शुरू होती है। इस फाइट को तो बहुत ब्रिलियंटली कोरियोग्राफ किया गया है। यहाँ सब जीरो अपना फेमस आइस स्लाइड का एक अलग वर्जन करता है और आइस वॉल क्रिएट करता है। फिर उसका फेमस आइस क्लोन भी क्रिएट करता है। बट इस फाइट में स्कॉर्पियन और कोल मिलके सब जीरो को बुरी तरह से मारते हैं और आखिर में स्कॉर्पियन उसकी आइकॉनिक टोस्टी फैटेलिटी करके सब जीरो को जरा डालता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि कोल हॉलीवुड आ रहा है और किसी एक्टर को ढूंढने। इस एक्टर का पोस्टर भी हमें देखने मिलता है। ये एक्टर ऑब्वियसली और कोई नहीं बल्कि मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स का फेमस जॉनी केज है। So, ये थी इस मूवी के कुछ ईस्टर एग्स और गेम रेफरेंसेस। अब बात करते हैं मूवी रिव्यू की। एज अ मॉर्टल कॉम्बैट फैन मुझे ये मूवी जस्ट अबाउ एवरेज लगी, क्योंकि इस मूवी में ढेर सारे अच्छे प्रोस तो है ही बट कई सारे कॉन्स भी है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और पेस ऑफ द स्टोरी बढ़िया है और 90% ऑफ द एक्शन कोरियोग्राफी एमके गेम से इंस्पायर्ड है और जो भी 10% चीजें अलग दिखाई गई है वो बहुत ही क्रिएटिव है। जैसे कि सब जीरो और स्कॉर्पियन के आखिर के फाइट में स्कॉर्पियन का खून हवा में उछलता है तो सब जीरो उस खून को ही फ्रीज करके खंजर बनाता है और स्कॉर्पियन पे अटैक करता है। दैट वाज अ ब्रिलियंट सीन। इसी के साथ मैंने मेंशन किए हुए सभी ईस्टर एग्स और गेम रेफरेंसेस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। मूवी कैरेक्टर्स की बात करें तो हीरोज में मेरे पर्सनल फेवरेट्स थे सोन्या, जैक्स और कंग लाओ। मुझे इन तीनों के एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे लगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोन्या की एक्ट्रेस जेसिका मैकनमी, जैक्स का एक्टर मेकार्ड ब्रुक्स और कंग लाओ एक्टर मैक्स वांग, इन तीनों ने बढ़िया एक्टिंग की है। वो पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में खुल मिल गए थे। अभी विलन्स की बात करें तो केनो, सब जीरो और कबाल ने तो इस मूवी में मचा दिया है। इस मूवी में सबसे ज्यादा किसी ने फुटेज खाया होगा तो वो था केनो। गेम्स में केनो हमेशा ही अपने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बहुत बोल बच्चन डायलॉग मारता रहता है। Save your slobber, dog. I could eat a peach for hours. My loyalty's always for sale. A job's a job, girlie. You sound like a nice American tourist. और केनो के इसी बिंदास थोड़े खिसके हुए कैरेक्टर को ऑजी एक्टर जॉश लॉसन ने बखूबी निभाया है। Keno wins. Oh, hello, sunshine. Where is it? You got a pen? You want to write this down? Get fucked. Fucking whoops.
केनो के साथ ही इस मूवी का मेन विलन सब जीरो तो एकदम परफेक्ट लगा। एज अ सब जीरो इंडोनेशियन एक्टर जो तेसलिम को आंखों से एक्टिंग करनी थी और वो उसने बढ़िया की है। ऐसा हमेशा लगता रहता है कि सब जीरो के सर पे खून सवार है। केनो और सब जीरो मोस्टली सभी को पसंद आएंगे, बट मेरा पर्सनली फेवरेट विलन रहा कबाल। अपने सिर्फ 10 मिनट के रोल में कबाल ने बवाल कर दिया है। कबाल का वॉइस और उसके कैरेक्टर का डिजाइन एकदम फ्रेम टू फ्रेम MK11 गेम की तरह है। Want me to slow down a little? Big mouth for someone who's standing on the wrong side of the electric fence. कबाल के रिलेटेड हर एक छोटी डिटेल मस्त रही। वो जब अपनी हुक स्वॉर्ड घुमाता है और अपनी रेजिंग फ्लैश सुपर स्पीड का अटैक करता है, तब गेम के तरह ये पर्पल कलर की लाइंस उसके आजू बाजू में दिखती है। बाकी विलेंस में मिलीना और शैंगसंग भी मुझे ठीक ठाक ही लगे, बट ये शैंगसंग हीरोई की तगावा के आइकॉनिक शैंगसंग के सामने थोड़ा फीका ही है। Your brother's soul is mine. So, ये थे मूवीज के प्रोज। अब बात करते हैं मूवी के कुछ कॉन्स की। इस मूवी के जरिए कोल नाम का नया कैरेक्टर मॉर्टल कॉम्बैट की दुनिया में लाया गया और यही मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा कॉन लगा। मॉर्टल कॉम्बैट के आज तक लगभग 20 गेम्स रिलीज हुए हैं और इन गेम्स में लगभग 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स है, बट फिर भी राइटर्स ने एक ऐसा नया कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जिसके बारे में किसी फैन को कुछ पड़ी नहीं है। पहले तो मैं कोल को लेकर थोड़ा एक्साइटेड था, बट कोल की ओवरऑल स्टोरी बकवासी थी। वो बस स्कॉर्पियन के फैमिली का एक मेंबर है इसलिए स्पेशल है। दैट वाज प्रीटी बोरिंग। प्लस कोल एक्टर लुईस टैन की एक्टिंग भी कुछ इतनी खास नहीं थी। फिर आता है गोरो, मॉर्टल कॉम्बैट के दुनिया का सबसे आइकॉनिक विलन। आप किसी भी मॉर्टल कॉम्बैट गेमर को पूछिए, उसके मन में गोरो को लेकर बचपन में हमेशा ही खौफ रहा है। गोरो को गेम में हराना बहुत ही डिफिकल्ट रहता था। स्पेशल इफेक्ट्स के साथ गोरो को मस्त दिखाया गया है, बट कुछ भी करने के पहले वो मूवी में मर जाता है और उसे मारता है कोल। लाइक व्हाट यार, ये कोल तो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और वो सीधा गोरो को मार डालता है। अरे प्रिंस गोरो आउटवर्ल्ड के सबसे डेंजरस वॉरियर्स में से एक है और उसकी मौत एक नए कैरेक्टर के हाथों होती है। अरे नहीं नहीं, एज अ लॉन्ग टाइम MK फैन मुझे तो ये बात हजम नहीं हुई। सिमिलरली कुंग लाओ को भी शैंगसंग मार डालता है। कुंग लाओ इस मूवी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और उसे काफी प्रीमैच्योर मौत मिल गई। उसे इतने जल्दी नहीं मारना चाहिए था। इस मूवी का और एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पूरा मूवी सीक्वल बनाने के नजर से बनाया गया है। ये बात वैसे तो अच्छी है, बट एज अ स्टैंड अलोन मूवी बाय इटसेल्फ इस मूवी में कुछ ज्यादा होता नहीं है। इवन जो फाइट्स होती है वो ऑफिशियल मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट वाली फाइट्स है ही नहीं। शैंगसंग अनऑफिशियली कायर के तरह अर्थ के वॉरियर्स पे अटैक करता है, सो दैट मींस अभी भी टूर्नामेंट होना बाकी है। इस पूरी मूवी में ऐसा लगता रहता है कि ये मूवी आने वाले सीक्वल्स के पहले का एक टेस्ट रन है। और एक फ्लॉ ये रहा कि ये फिल्म व्यूअर्स को मॉर्टल कॉम्बैट के दुनिया के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। मैं तो एक MK फैन हूँ और मुझे मोस्टली सभी चीजें पता है, बट अगर किसी को MK वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पता ना हो तो उसे आउट वर्ल्ड क्या है, स्कॉर्पियन कहाँ जाकर वापस आता है, आखिर मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट और उसके 10 विक्ट्रीज का क्या लॉजिक है, ये सब चीजें पता ही नहीं चलेगी। और इस मूवी ने इन सारी चीजों को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। एज आई सेड बिफोर, शैंगसंग जैसा विलन का रोल मुझे थोड़ा ओके ही लगा, उसमें कुछ इतना दम नहीं था, बट वो फिर भी ठीक था क्योंकि इस मूवी का सबसे बर्बाद कैरेक्टर था अपना अर्थ रेल्म का प्रोटेक्टर द थंडर गॉड रेडन। सही में रेडन जैसा लेजेंडरी MK कैरेक्टर इस मूवी ने वेस्ट किया है। पहली बात तो जापानीज एक्टर तादानोबू असानो कहीं से भी इतना पावरफुल नहीं लगता कि इसे कोई एल्डर गॉड माने, और फिर उसके डायलॉग डिलीवरी और उसकी वॉइस बहुत ही क्रिंज थी। MK गेम्स में रेडन का वॉइस हमेशा से ही हेवी और आइकॉनिक रहा है। यू आर अ ब्लाइट ऑन ह्यूमैनिटी, योर पेटी क्राइम्स आर यूजुअली बीनीथ नोटिस, डू नॉट प्रोवोक अ गॉड। जो भी उसके वॉइस को सुने उसे लगेगा कि ये बंदा एक्चुअल एल्डर गॉड है, बट इस मूवी का रेडन तो काफी फीका है। You are in no physical or mentorship to fight. Your time has passed. रेडन के इस तरह के वियर्ड आवाज से बोले गए एशियन एक्सेंट वाले डायलॉग्स मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। मेरी पर्सनल मूवी रेटिंग स्केल है 4 स्टार्स फॉर आउटस्टैंडिंग फिल्म, 3 फॉर अ गुड फिल्म, 2 फॉर अ ओके फिल्म,
एंड वन फॉर अ ट्रैश फिल्म। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मैं इस मूवी को 2.5 स्टार्स ही दूंगा। ये मूवी एक अबव एवरेज मूवी थी, बट आने वाले सीक्वल्स को लेके मुझे काफी उम्मीद है। होपफुली हमें सीक्वल्स में किटाना, जॉनी केज, बराका, शिनॉक और मेरा पर्सनल फेवरेट एरॉन ब्लैक और शाहरुख खान देखने मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी ही पॉप कल्चर दुनिया की मूवीज और टीवी शोज के बारे में वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।